अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा व्लॉग है उसका टॉपिक थोड़ा सा हटके है, ऑटोमोबाइल्स के हवाले से। आज हम अपनी गाड़ी को लाए हैं गाड़ी का एग्ज़ाम करवाने के लिए जी। यहाँ पे सुजुकी ऑटो सुजुकी कंपनी की जो टीम है वो हमारे शहर जंड में आई हुई है। डिफरेंट जो सुजुकी की जो ब्रांड्स हैं, गाड़ियाँ हैं, मॉडल्स हैं डिफरेंट, उनको एग्ज़ामिन करने के हवाले से। तो अभी हम इधर आए हैं, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे गाड़ी का एग्ज़ाम और तो ये हमारा एंट्री टोकन हमें मिल चुका है जी। अभी लाइन में हम लगे हुए हैं, गाड़ी हमारी लाइन में है, हमारे पीछे एक गाड़ी और आगे तीन गाड़ियां हैं। तो होपफुली जल्द नंबर आ जाएगा और फिर गाड़ी का एग्ज़ाम करवाएंगे। तो देखते हैं कि गाड़ी की जो कंडीशन है, फ़िटनेस सर्टिफिकेट हमें जो है वो कितना परसेंटेज का मिलता है कि हमारी गाड़ी की जो फिटनेस है 100% फिट है या 70% या 80% या 90, तो वो परसेंटेज ये बताएंगे। तो आगे चल के आपको मज़ीद इसका विज़िट करवाते हैं, बात करेंगे किसी से, नुमाइंदे से भी, इनके जो इंजीनियर्स आए हुए हैं, मैनेजर्स, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। ये जी वो कतार है जिसमें जिस कतार में हमारी भी गाड़ी ये स्टैंड बाई की पोजीशन पे है। और ये सामने जो है वो टेस्ट सेंटर है जहाँ पे इनके जो क्वालिफाइड जो मैकेनिक्स हैं वो गाड़ी को चेक कर रहे हैं मुख्तलिफ एंगल्स से। तो उसके बाद वो स्लिप देंगे, अगर गाड़ी के अंदर कोई इशू है तो इससे आगे इनकी एक वर्कशॉप जो है वो एमरजेंसी बेसिस पे गाड़ियों में जो फॉल्ट्स हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने इन्होंने एक पोर्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, ये टेस्ट ड्राइव के लिए इनकी जो न्यू ब्रांड्स हैं सुजुकी की, स्विफ्ट और VXR, और फिर साथ ही यूज्ड गाड़ियाँ एक्सचेंज के लिए पॉसिबल है ख़रीदना चाहे कोई। और ये जो कैनोपी है ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने कैंप लगाया हुआ है टीम का। तो बारी का इंतज़ार कर रहे हैं जी, यहाँ पे मुलाकात हुई है भाई से, सुजुकी कंपनी की तरफ से ये हैं जी। वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है भाई जान। तो भाई थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं इनके हवाले से बताएंगे प्लीज। भाई जी, ये ना सुजुकी कार एक्सपो लगाया हुआ है, एक तो गाड़ियों की सर्विस फ्री करें, चेकअप फ्री करें और इसकी ट्यूनिंग फ्री है, इसके अलावा आयल चेंज फ्री है, आयल के पैसे लेंगे, अगर कोई पार्ट्स आप डलवाते हैं पार्ट्स के पैसे देने होंगे, बाकी इसकी मजदूरी वगैरह के पैसे नहीं ले रहे हैं। ठीक हो, उसके अलावा नई या यूज्ड गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे दस्तियाब है। गाइड कर रहे थे इनकी जो सर्विसेज हैं सुजुकी कंपनी की। तो देखते हैं जी, अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी के एग्जामिनेशन का। तो मज़ीद इनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके साथ भी आपकी बात करवाएंगे, उनके भी जो कमेंट्स हैं, उनकी भी जो सजेशंस हैं सुजुकी ऑनर्स के लिए, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ फिर शेयर करेंगे। ये जी गाड़ी का जो एक्सटीरियर जो बॉडी का एग्ज़ाम है वो कर रहे हैं, पेंट के हवाले से कितने परसेंट गाड़ी ओरिजिनल है उसको चेक कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी को। तो फर्स्ट फेज़ जो है इसका एग्जामिनेशन का, यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो गाड़ी है उसको फर्स्ट फेज़ जो एग्ज़ामिनेशन का उससे गुजर रही है, नेक्स्ट फिर मैकेनिकल इसका चेकअप जी। तो अब हमारी गाड़ी जो है वो एग्ज़ाम के लिए आई हुई है, तो यहाँ पे हसनैन भाई हैं जो कि गाड़ी की इवेल्यूशन करते हैं। तो मज़ीद ये आपको थोड़ा सा बताएंगे अपनी जो सर्विसेज हैं सुजुकी की, सुजुकी मोटर्स की। तो सर प्लीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे आप कि क्या कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका जो इधर काम है वो क्या है, अपने काम के हवाले से सर की बात। अस्सलाम वालेकुम, हम सर सुजुकी फतेहजंग मोटर से आए हैं और यहाँ पर आज हमारा कैंपेन चल रहा है 20 तारीख का। तो इसमें हमारी मुकम्मल टीम आई हुई है जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल चेकअप के लिए हैं, डेंटर हैं, साथ पेंटर हैं, इसी तरह हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, यूज़ कार डिपार्टमेंट है। ठीक है, आज हमारी जैसे आप देख पाएंगे बाकी गाड़ियाँ भी लाइन में लगी हुई हैं, गाड़ियाँ सारी वेलुएट भी हो रही हैं। वेलुएट करने का बेसिक मकसद ये होता है कस्टमर को उसकी गाड़ी की कंडीशन के बारे में मालूम मिल जाए। थैंक यू जी। तो ये तो भाई जो वेल्यूशन के बारे में बता रहे थे, तो अब पीछे लाइन भी लगी हुई है और हमारी गाड़ी का जो है वो नंबर भी आया हुआ है, तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद लोगों से बात करते हैं, यहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं तो उनसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये गाड़ी जी मैकेनिकल सेक्शन में पहुँच चुकी है, मैकेनिक्स की क्या कमेंट्स हैं इस गाड़ी के हवाले से, मैकेनिकल कमेंट्स देखते हैं क्या कहते हैं भाई। ये जी फाइनल इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी जो है वो सेक्शन में आ चुकी है, तो ये भाई ज़रा चेक करेंगे तो फिर आपको साथ साथ बताते हैं कि गाड़ी की जो फाइनल जो कंडीशन है
जिस तरह जो फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या है। तो ये प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं बाकायदा, क्योंकि ये सुजुकी मोटर्स की तरफ से हैं तो ये प्रॉपरली अपनी जो टूल किट्स हैं उनके साथ काम करते हैं। इस तरह आम तौर पे जिस तरह मैकेनिक्स काम करते हैं इनका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है प्रॉपरली गाड़ी को एग्जामिन करने का और उसको ठीक करने का। तो पूछते हैं इनसे भाई से। जी हमारे पास जो है ना जितनी भी सर्विस हैं वो तमाम फ्री हैं। ठीक है। इधर जो है लेबर में 20% डिस्काउंट है। ठीक है। और पार्ट्स में 10% डिस्काउंट। ठीक है जी। और सर आपकी यहाँ पे ड्यूटीज जो हैं वो इंस्पेक्शन की हैं। ठीक है। जो भी काम पीछे हो रहा है उसको सारा हमारा हाल देखना है। ठीक है। कोई गड़बड़ है, कोई मिसिंग है, कोई चीज़ हो वो मेंशन कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। तो ये भाई जी मेंशन कर रहे हैं उन चीज़ों को जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, फाइनल इंस्पेक्शन जिसे हम कहते हैं। तो भाई हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर जी आए, ये जो कहावत बनी हुई है सुजुकी वाले लूट लेते हैं या इस तरह कोई सीन नहीं। ठीक है, आम कस्टमर के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। आपने भाई की बात सुनी है कि जो लोगों ने बनाई हुई हैं अपनी तरफ से स्टोरीज के लूटते हैं या महंगी चीज़ें देते हैं, उनका कहना है उसकी 6 महीने वारंटी आपको मिले। 6 महीने वारंटी है जी कह रहे हैं, और किसी किस्म का कोई मतलब चीटिंग नहीं है। ओरिजिनल पार्ट्स क्योंकि ये कंपनी की तरफ से हैं तो ज़रूरी बात है अगर ये कुछ ऐसी बात करेंगे तो वो कंपनी की जो रेपो है उसको हर्ट करेंगे ना, तो कभी भी कोई कंपनी ऐसे नहीं करती। तो आएँ ज़रूर अपनी गाड़ी को चेकअप करवाएं। तो हमारी गाड़ी का चेकअप अभी तक कंटिन्यू है, देखते हैं कि इसकी जो फाइनल जो कंडीशन है वो क्या है। अल्ट्रासाउंड वगैरह इन्होंने कर लिए हैं, इसके ECG हो रही है गाड़ी की, और फिर फाइनल रिकमेंड करेंगे कि कौन से स्पेशलिस्ट के पास जाना है इस गाड़ी में। तो पूछते हैं भाई से, फिर फाइनल कमेंट्स आपको दिखाते हैं, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी। तो हमारी गाड़ी का एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया है, ये पेपर हमारे पास है, रिजल्ट कार्ड अपनी गाड़ी का। तो इधर मेरी नज़र पड़ी है जी फयाज सर, आते हैं जरा इनसे पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। या सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। तो माशाल्लाह जी बच्चों को लेके आए हुए हैं सर गाड़ी का चेकअप करवाने के लिए। या सर आज पता चला था, लेकिन चूँकि हम जॉब वाले लोग हैं जी, जी ऐसी है, अभी सर्विस से वापस आए हैं तो कहा कि चले चक्कर लगा लें, रेयर अपॉर्चुनिटी है, ऐसी है, प्रोफेशनल लोग हैं कभी कभार आते हैं, ऐसे एक्सपोज होने चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज ये लोग प्रोफेशनल हैं और हम भी फिर एक स्पेसिफिक मॉडल को देख रहे हैं वो भी सुजुकी के। तो अब अगर आप एक आम मैकेनिक को देखें तो वो शायद मल्टीपल चीज़ों को देख रहा होता है, लेकिन ये चूंकि एक स्पेसिफिक मॉडल से इनका वास्ता है, इनको बेहतर पता है कि गाड़ी के अंदर क्या चीज़ें क्या नहीं है। और फिर ये बाकी अपॉर्चुनिटी है, इन्होंने एक्सपो सेंटर गाड़ी को एक्सचेंज का भी एक यहाँ पर ऑफर दी हुई है, ऐसे ही है। तो ये एक ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल में इलाके के लिए, और ये सेल्डम होने चाहिए, मतलब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। ऐसे ही है जी। तो हम तो जी अपनी गाड़ी का एग्ज़ाम करवा चुके हैं, तो हमारा तो रिजल्ट देख लें आप ज़रा। अभी आप जब जाएंगे तो आप भी इस तरह का आपको मिलेगा पेपर, होपफुली आपने तो पहले भी करवाया होगा एग्ज़ाम गाड़ी का सुजुकी वाला। इन सीरियस है, वरना मेरा इरादा था कि मैं गाड़ी को फतेह जंग लेके जाऊँ। ठीक है, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी मुझे अपने इलाके में मिल रही है तो मेरे ख्याल में इट्स बेटर बजाय मैं फतेह जंग जाने के, ये मुझे अभी पॉइंट आउट कर देंगे तो देख लेंगे। जैसे उन्होंने आपको जितनी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, यासर साहब आप नई गाड़ी ले लें। सही है, क्योंकि ये जो बता रहे हैं 3-4 चीज़ें मुझे बता रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पे 15 पॉइंट है और इस पे 12 पे ठीक हुए। मेरा दिल है कि फिर बेहतर है कि अब आप गाड़ी चेंज करें, इसको रिमूव भी कर दें। तो मतलब आप सजेस्ट करेंगे लोगों को, हमारे जो ऑडियंस हैं, कि आए ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, मतलब जी ऐसे जो पॉइंट्स हैं जब ये लगाते हैं। देखिए ये उन्होंने पब्लिक के लिए लगाए, सही है, आपको फैसिलिटेट करने के लिए लगाए हैं। जी आप आएंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती रहेंगी, और अगर आप नहीं आएंगे तो फिर जाहिर है ये अपॉर्चुनिटीज खत्म होती जाती है। ठीक है जी, थैंक यू। तो आपका नंबर भी आ गया तो हमने आपको रोके रखा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो अब जी आज का जो हमारा व्लॉग है वो अपने इख्तिताम को जाता है। हमने अपनी गाड़ी का एग्ज़ाम करवा लिया और गाड़ी में बैठते हैं। मुनीब हैदर भी मेरे साथ था, तो मुनीब हैदर आप भी तंग हुए होंगे बहुत ज़्यादा, यानी इंजॉय किया है, गाड़ियाँ वगैरह देखी हैं आपने, मज़ा आया है, मतलब मैं तो समझ रहा था कि आप बोर हो रहे हो। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या प्लान है हमारे आगे कौन जाएंगे? नहीं घूमने जाएंगे। ठीक है, फिर अभी शेक हैंड करते हैं, हेलो आई करते हैं अपने। Thank you.